गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब वर्ल्ड कप के ट्रॉमा से बाहर निकल गए हैं। तो बैक टू द बेसिक, टाइम टू स्टडी अगेन। तो इन दिस सेक्शन ऑफ फर्रे सीरीज अब हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स। बेटा ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं? ऑटो मींस सेल्फ, कॉइड्स मींस एक्टिंग, मतलब ये सेल्फ एक्टिंग केमिकल्स हैं या सेल्फ एक्टिंग हॉर्मोन्स हैं जो आसपास ही काम करते हैं, इसीलिए इनको लोकल हॉर्मोन्स भी बोला जाता है। सो ऑटोकॉइड्स में ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेट्स डिस्कस। पहला होता है आपका हिस्टामीन और रिलेटेड ड्रग्स पढ़ेंगे हम। दूसरा हम पढ़ेंगे सेरोटोनिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, और सेरोटोनिन में हम माइग्रेन्स भी पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस प्रोस्टाग्लैंडिंस, एक और हमारे ऑटोकॉइड, और प्रोस्टाग्लैंडिन को जो इनहिबिट करते हैं, जिनका लेवल कम करते हैं, वो ड्रग्स का नाम होता है एनसेड्स। लास्टली डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट। सो ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे बहुत ही फास्ट अपने प्रॉफ एग्जाम के लिए, बट इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी होंगे जो आपको पता होने चाहिए। एग्री? सो रिमेंबर, एज अ मेडिको आपकी बहुत बड़ी जर्नी है, आपको एक जगह शोर पे बैठे नहीं रहना, आपका कोई पर्पस नहीं रहेगा लाइफ का। लाइफ का पर्पस क्या है? अपना काम करना। सो रिमेंबर, थोड़ा थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी मेहनत रोज करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद फर्स्ट ऑटोकॉइड, दैट इज हिस्टामीन एंड रिलेटेड ड्रग्स। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है बेटा कि हिस्टामीन जो एक ऑटोकॉइड है, अमीन वाला ऑटोकॉइड है, कैसे बनता है? हिस्टामीन बनता है बेटा एक अमाइनो एसिड से, उसका नाम है हिस्टिडीन। कौन से अमाइनो एसिड से? हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन, आप जानते हो हर अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीन ग्रुप होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप हटा दें तो सिर्फ अमीन बनेगा, तो हिस्टिडीन में से डी कार्बोक्सिलेस करेंगे तो हिस्टामीन बन जाएगा। So histamine is synthesized with the help of an enzyme. ये question है, that is histidine decarboxylase enzyme which converts histidine into histamine. Very nice. अब जैसे ही histamine बनता है, remember histamine अपने receptors पे काम करता है, और histamine के चार receptors होते हैं, H1, H2, H3 and H4 receptor, और सारे के सारे receptors GPCR है, दैट इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। तो एक एक करके हम रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, H1, H2 और H3, क्योंकि 1 से 3 तक हमारे पास ड्रग्स हैं, H4 पे काम करने वाला हमारे पास कोई भी ड्रग नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर कौन से टाइप का GPCR है बेटा? GQ। GQ तीन होते हैं ना, हमने पढ़े थे GQ, GI और GS, ये GQ टाइप का है। अब H1 रिसेप्टर कहां होता है? सर पहला तो ये होता है न्यूरॉन्स पे, ब्रेन में न्यूरॉन्स पे होता है, और ब्रेन के बाहर पेरीफेरी पे होता है, ठीक है। तो H1 रिसेप्टर की बात करें, सो ब्रेन में जब हिस्टामीन रिलीज होता है, इट कॉजेस वेकफुलनेस, नींद खत्म हो जाती है। अब आप सोओगे नहीं तो पढ़ाई करोगे, तो आपकी मेमोरी इंक्रीज होगी, आप बहुत काबिल अच्छे डॉक्टर बनोगे तो मेमोरी इंक्रीज होती है। हिस्टामिन ऑल्सो कॉजेस वॉमिटिंग, इन वॉमिटिंग को हम बोलते हैं सिकनेस, मोशन सिकनेस, सी सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ये ब्रेन से स्टार्ट होती है, GIT से नहीं होती। लास्टली चक्कर आना, वर्टिगो। पेरीफेरी में ब्रेन के बाहर हिस्टामीन जब H1 रिसेप्टर पे काम करता है, ये हिस्टामीन रिलीज होता है मास्ट सेल से, और ये एलर्जी करता है। उस एलर्जी को आप बोलते हो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, जिसमें ट्रिपल रिस्पांस देखा जाता है, रेड व्हील और फ्लेयर। नाउ लेट्स कम टू द ड्रग्स पार्ट। सो द ड्रग्स दैट ब्लॉक H1 रिसेप्टर आर नोन एज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। सो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, और ये जो अभी हमने इफेक्ट देखे हैं बेटा, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि आप H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं। नाउ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स एंड सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक।
फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू इज फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, ये मेन डिफरेंस है। इसके अलावा भी डिफरेंस होते हैं बट वो हमें याद नहीं रखने, सो इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। सेकेंड जनरेशन डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट सेट्रिजीन, सेट्रिजीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। तो अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ब्रेन में क्या करेगा। हमने अभी पढ़ा हिस्टामिन से वेकफुलनेस होती है, तो हिस्टामिन को जब ब्लॉक करोगे आप ब्रेन में तो आदमी सो जाएगा, सेडेशन हो जाएगी। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो बेटा सम टेक्निकल ग्लिच बट रिजॉल्व। सो देखते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं हिस्टामिन का रिसेप्टर, फर्स्ट जनरेशन एंटर इनटू ब्रेन, सेकंड जनरेशन डू नॉट एंटर इनटू ब्रेन एक्सेप्ट सिट्रिजीन। तो बताइए कौन सा एंटी हिस्टामिनिक फर्स्ट या सेकंड सेडेटिव होगा। फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक इज अ सेडेटिव ड्रग क्योंकि नॉर्मली हिस्टामिन वेकफुलनेस करता है, सेडेशन, उससे मेमोरी इंक्रीज होती थी हिस्टामिन से मेमोरी लॉस। सेकंड पॉइंट एंटीएमेटिक, इनसे वॉमिटिंग कम होती है इसीलिए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग मोशन सिकनेस, सी सिकनेस और मैं आपको बताऊंगा मॉर्निंग सिकनेस में यूज करते हैं। दे आर यूज्ड एज एन एंटी वर्टिगो प्लस दे हैव लिटिल बिट ऑफ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करते हैं। सो मेरा आप बच्चों से एक सवाल, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा विच एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, हम जानते हैं फर्स्ट जनरेशन सेडेटिव है, विच सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज सेडेटिव, कौन सा सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सेडेटिव होता है, नींद आती है। आंसर इज सिट्रेजीन। तो अब सेकंड जनरेशन तो सर ब्रेन के बाहर काम करते हैं और ब्रेन के बाहर हिस्टामिन का काम होता था एलर्जी करना, तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक का सिर्फ और सिर्फ क्या यूज होता है, दे आर ओनली यूज्ड एज एन एंटी एलर्जिक ड्रग, ये सिर्फ और सिर्फ एंटी एलर्जिक ड्रग्स की तरह यूज होते हैं, इनका और कोई भी यूज नहीं होता। नाउ द पॉइंट इज बेटा फर्स्ट जनरेशन से नींद आती है, अगर नींद आती है और आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें अटेंशन की बहुत जरूरत है, लाइक पायलट्स प्लेन चला रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हो, कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर एक ड्रग से सेडेशन होती है, कंसंट्रेशन कम होती है, तो मुझे बताइए बच्चा लोग क्या आप फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग पायलट्स ड्राइवर्स और मशीनरी ऑपरेटर्स में देना चाहोगे, दे दोगे नहीं, इट विल लीड टू एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, है ना, प्लेन क्रैश हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके राहुल डोंट वरी आई विल टेल यू। नाउ द पॉइंट इज क्योंकि ये सेडेटिव है, एज अ डॉक्टर हम अपने पेशेंट्स को एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देते हैं रात को सोने से पहले, सो ऑल एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स आर गिवन एट नाइट टाइम बिफोर स्लीप,
क्योंकि दिन में फिर सिडेशन से एक्सीडेंट हो सकते हैं, एक्सेप्ट क्लोरफेनिरामीन। कौन सा एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हम डे टाइम भी दे सकते हैं, दैट इज क्लोरफेनिरामीन, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में से लीस्ट सिडेटिव होता है। अदरवाइज बाकी सारे के सारे एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हम डे टाइम पे नहीं देते। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद फर्स्ट जनरेशन, देन वी विल कम टू सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक बेटा लोग, अगर आप देखें, हमने हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव और लीस्ट सेडेटिव में डिवाइड कर दिए। डू यू एग्री? हाईली सेडेटिव में सबसे पहला है प्रोमिथाजीन, फिनार्गन नाम से सिरप भी आते हैं इसके। तो प्रोमिथाजीन मैक्सिमम सेडेशन, प्रोमिथाजीन मैक्सिमम सेडेशन, मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, क्योंकि बेटा इसका मैक्सिमम एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, इसीलिए हम प्रोमिथाजीन को यूज करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज में। बेटा ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज में हम एसिटाइल कोलीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। इस बीमारी का दूसरा नाम होता है ईपीएस। ईपीएस का मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। डाइफेनहाइड्रामीन बेनाड्रिल नाम से आता है, एलर्जी के लिए भी यूज करते हैं, पर इसका मेन यूज है मोशन सिकनेस। कहाँ यूज करते हैं बेटा इसे? मोशन सिकनेस में इसे एज अ पैच लगाते हैं कान के पीछे या आर्म पे, सो इट इज अवेलेबल एज अ ट्रांसडर्मल पैच। यस, ऑल्दो ये सारे के सारे ड्रग यूज कर सकते हैं, पर ट्रांसडर्मल पैच कौन सा है? दिस वन, हाइड्रोक्सीजीन लॉन्गेस्ट। और हाइड्रोक्सीजीन की जो एक्टिव फॉर्म है, द एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सीजीन इज सेट्रीजीन। सेट्रीजीन तो सेकंड में था, पर हाइड्रोक्सीजीन फर्स्ट में है। डॉक्सीपिन, डॉक्साइलामीन अलोंग विद विटामिन B6, दे हैव एंटी एमिटिक एक्शन एंड दिस कॉम्बिनेशन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस बेटा होता है तो डॉक्साइलामीन प्लस विटामिन B6, इस कॉम्बिनेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस का मतलब वॉमिटिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अब हम आते हैं मॉडरेटली सेडेटिव, साइक्लिजीन, मेक्लिजीन, सिनारीजीन। नाउ रिमेंबर, इस सारे के सारे ड्रग आप यूज कर सकते हो मोशन सिकनेस में एंड सी सिकनेस में। बेटा मोशन सिकनेस होती है जब आप बस और कार में बैठते हो, आपका हेड रोटेट होता है, और आप देखते हो कई लोगों को क्या होता है, बस और कार में बैठने के बाद वॉमिटिंग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यहां पे क्या है? एंटी एमिटिक ड्रग है। सी सिकनेस भी सेम होती है बेटा, जब हम शिप में या जहाज में बैठते हैं तो वॉमिटिंग हो जाती है। सिप्रोहेप्टाडीन इज द ओनली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग विच ऑल्सो ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो कौन सा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करता है? दैट इज सिप्रोहेप्टाडीन। ठीक है। नियाज बेटा, बात यह होती है कि डॉक्साइलबीन जो वॉमिटिंग होती है ना, मॉर्निंग सिकनेस, वो बेसिकली इनर ईयर से शुरू होती है, लेबरिंथ से शुरू होती है। वहां पे ना एसिटाइल कोलीन और हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं जो वेस्टिबुलर नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस और सी सिकनेस होता है, वो ब्रेन में जाते हैं और वॉमिटिंग होती है। तो हमें ईयर में ही हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो ये ईयर से स्टार्ट होती है। हमने रेगुलर क्लासेस में इसका पूरा पाथवे भी समझा हुआ है कि मोशन सिकनेस वगैरह किस तरीके से होती है, उसका कॉज क्या है। ठीक है। नाउ लीस्ट सेडेटिव बेटा हम ऑलरेडी जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है? क्लोरफेनिरामीन। सो इट इज द ओनली फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक विच कैन बी गिवन ड्यूरिंग डे टाइम। अब आते हैं हम सेकेंड जनरेशन पे।
बेटा सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक तो सिर्फ ब्रेन के बाहर काम करते थे, और ब्रेन के बाहर आप जानते हो हिस्टामिन से क्या होता है, एलर्जी होती है। तो सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आर यूज्ड इन माइल्ड एलर्जी। कहाँ यूज करते हैं बेटा, माइल्ड एलर्जी में यूज करते हैं, लाइक रैशेस, ड्राई कफ, अर्टिकेरिया। पर बेटा एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, अगर एक आदमी को सिवियर एलर्जी है, सिवियर एलर्जी में आदमी शॉक में जा सकता है, जिसे आप बोलते हो एनाफाइलेक्सिस। डू यू एग्री? माइल्ड एलर्जी में आप देते हो एंटी हिस्टामिनिक, सिवियर एलर्जी या फिर एनाफाइलेक्सिस में आप देते हो इंट्रामस्कुलर एड्रेनलिन, क्योंकि यहां पे आदमी शॉक में चला जाता है, तो यहां पे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें एड्रेनलिन देना पड़ता है। ठीक है, हम सब जानते हैं। वेरी गुड अंकित जी ने तो वो भी बता दिया है। हाँ जी राहुल, आपका क्या डाउट था? राहुल आपको मैं इस क्लास के जस्ट बाद बताता हूं व्हाट इज TIVA, टीवा और IVRA। ठीक है, जैसे ही सेशन खत्म होता है मैं आपको 10 मिनट ये समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड जनरेशन में कौन कौन से ड्रग हैं। पहला ड्रग है टर्बिनाफीन, सॉरी पहला ड्रग है हमारा टर्फेनाडीन, टर्फेनाडीन, और दूसरा ड्रग है हमारा एस्टीमेजोल। नाउ बेटा ये दोनों के दोनों ड्रग, बोथ ऑफ दीज ड्रग्स दे गॉट बैंड, ये दोनों के दोनों बैन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनसे हार्ट में QT इंटरवल प्रोलॉन्ग होता था, दे इंक्रीज QT इंटरवल, जिससे बहुत ही एक फेटल और डेंजरस एरिथमिया हो जाता था, टॉर्सेडिस डी पॉइंटिस। तो मुझे बताइए कौन से दो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स बैन हो गए, टर्फेनाडीन, एस्टीमेजोल। अब क्या किया हमने, टर्फेनाडीन की एक्टिव फॉर्म बना दी, दैट इज फेक्सोफेनाडीन। फेक्सोफेनाडीन किसी बच्चे ने नाम सुना है, एलेग्रा नाम की एक गोली आती है एलेग्रा ब्रांड से। एलेग्रा जो ब्रांड है उसमें क्या होता है बेटा, फेक्सोफेनाडीन होता है। तो मुझे बताइए कहां यूज करते होगे एलेग्रा या फेक्सोफेनाडीन को, माइल्ड एलर्जी में हम यूज करते थे, है ना। तो अब इसका एडवांटेज है नो रिस्क ऑफ QT प्रोलोंगेशन, इससे QT इंटरवल प्रोलोंग नहीं होता, इससे होता है टर्फेनाडीन और एस्टीमेजोल। सिट्रिजीन बेटा हम जानते हैं इट इज द ओनली सेकेंड जनरेशन विच इज अ सिडेटिव ड्रग। तो हमने क्या किया, सिट्रिजीन को मॉडिफाई करके लीवोसिट्रिजीन बनाया विच रिक्वायर्स हाफ डोज। ठीक है, इसकी आधी डोज देनी पड़ती है। इसका फिर एडवांटेज क्या होता है, इट इज लेस सिडेटिव एज कंपेयर टू सिट्रिजीन, इट इज लेस सिडेटिव एज कंपेयर टू सिट्रिजीन। लास्टली लोराटेडीन विच इज मोस्ट पोटेंट एंटी हिस्टामिनिक। अब बेटा क्योंकि सेकेंड जनरेशन एलर्जी में यूज करते हैं, जब एलर्जी आइस में होती है तो हम बोलते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, और जब एलर्जी नोस में होती है और रनिंग नोस होती है इसे आप बोलते हो एलर्जिक राइनाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस और राइनाइटिस एलर्जिक केसेस को ठीक करने के लिए ओरल दवाई देने से अच्छा आई ड्रॉप्स बना दो। तो इसीलिए हमने सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स की आई ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स बना दी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और राइनाइटिस। और उन ड्रग्स के नाम आपके सामने हैं, न्यूमोनिक है आलोक, न्यूमोनिक है आलोक, एजिलास्टिन, लीवोकार्बास्टिन, ओलोपैटिडीन एंड किटोटीफेन। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, इन सब ड्रग में से मैक्सिमम या बेस्ट टॉपिकल एक्टिविटी कौन से एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की होती है? तो उसका आंसर है बेटा एजिलास्टीन हैज मैक्सिमम टॉपिकल एक्टिविटी, इट हैज मैक्सिमम टॉपिकल एक्टिविटी, एजिलास्टीन। डन। अब इनमें से दो ड्रग्स हैं जो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं ताकि हिस्टामिन का रिलीज ही ना हो पाए,
ड्रग्स आर ओलापैटिडीन एंड किटोटीफेन. ओलापैटिडीन एंड किटोटीफेन दे हैव एडिशनल मास्ट सेल स्टेबिलाइजिंग एक्शन ऑल्सो. तो ये बेटा हमारे H1 रिसेप्टर खत्म हो गए. H2 रिसेप्टर पे आते हैं बेटा. नॉर्मली H2 रिसेप्टर होता है हमारे स्टमक में, और स्टमक में इसका काम होता है HCl का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज करना. ओके, तो अगर हम H2 ब्लॉकर बनाएं जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, कैन वी से दे रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक. दे रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक. तो मुझे आप बता सकते हो इनको कहां यूज करेंगे? दीज ड्रग्स आर मेनली गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स. तो दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, H2 ब्लॉकर. अब अगर आप देखें बेटा, इन सब के एंड में टिडीन वर्ड आ रहा है, इन सब के एंड में टिडीन वर्ड आ रहा है. तो इसमें हमने जो सबसे पहला ड्रग बनाया था वो था सिमेटिडीन. सबसे बुरा ड्रग था सिमेटिडीन, बैन हो गया. अब हम बाकी के यूज करते हैं. तो सवाल, सिमेटिडीन सर बैन क्यों हुआ? सिमेटिडीन सबसे पहली लीस्ट पोटेंट, लीस्ट पोटेंट मतलब सबसे ज्यादा डोज देनी पड़ती है. मैक्सिमम CYP इनहिबिटिंग एक्शन, ये दूसरे ड्रग का डिग्रेडेशन जो CYP एंजाइम से होता है उसको इनहिबिट कर देता है, तो दूसरे ड्रग की टॉक्सिसिटी आ जाती है. प्लस इट हैज लॉट ऑफ साइड इफेक्ट. पहला साइड इफेक्ट बेटा, इट डिक्रीजेस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन. दूसरा, इट डिक्रीजेस ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन, क्योंकि बेटा टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन जो होते हैं वो CYP एंजाइम्स की मदद से सिंथेसाइज होते हैं. तो अगर आप CYP एंजाइम को ब्लॉक कर दोगे, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. तो आप बच्चों से एक सवाल, नियाज जी ने तो आंसर भी कर दिया है, कि अगर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो गया तो मेल्स में क्या होगा? कैन वी से सिमेटिडीन कॉजेस गायनेकोमेस्टिया. वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन. फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इररेगुलैरिटीज. एक लास्ट साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा सिमेटिडीन का. सिमेटिडीन ब्लॉक डोपामीन रिसेप्टर, डी से डोपामीन का रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है. और आप एक बात याद रखिएगा, अगर कोई भी ड्रग डोपामीन का रिसेप्टर ब्लॉक करता है ब्रेन में, तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि डोपामीन प्रोलैक्टिन को नॉर्मली सप्रेस करके रखता है. इसीलिए इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, तो इट कॉजेस प्रोलैक्टिनीमिया. प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है किससे बेटा? सिमेटिडीन से. इन सब बातों की वजह से अब हम सिमेटिडीन यूज नहीं करते. एग्री? रैनिटिडीन वेरी कॉमनली यूज. फेमोटिडीन इज अ नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर. बाकी सारे ड्रग जो हैं कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर हैं, इनमें से कौन सा ड्रग नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकर है? फेमोटिडीन. निजेटिडीन, नो CYP इनहिबिटिंग एक्शन. लेफोटिडीन ऑल्सो इंक्रीज सोमैटोस्टेटिन लेवल. अब बेटा, अगर सोमैटोस्टेटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन अगर स्टमक में बनेगा, इससे गैस्ट्रिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा. और आप जानते हो कि एसिड प्रोडक्शन के लिए गैस्ट्रिन भी इंपॉर्टेंट होता है. हेंस इट ऑल्सो डिक्रीज HCl प्रोडक्शन. तो कौन से ड्रग का एक एडिशनल एक्शन होता है HCl को कम करने का? लेफोटिडीन. क्योंकि लेफोटिडीन जो होता है बेटा, लेफोटिडीन क्या करता है बेटा? सोमैटोस्टेटिन का लेवल बढ़ाता है. अब आते हैं हम लास्ट रिसेप्टर पे, दैट इज H3 रिसेप्टर. H3 रिसेप्टर पे एक इनवर्स एगोनिस्ट है. द ड्रग नेम इज टिप्रोलीसांट. ड्रग का नाम क्या है बेटा? ये क्वेश्चन ना MCQ में आ चुका है. टिप्रोलीसांट का बेटा दूसरा नाम होता है पिटोलीसांट. और क्योंकि ये इनवर्स एगोनिस्ट है, इससे वेकफुलनेस बढ़ती है. क्योंकि इससे वेकफुलनेस बढ़ती है,
मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रेगुलर क्लासेस में समझेंगे, बट रिमेंबर इससे वेकफुलनेस बढ़ती है, इट इंक्रीजेस वेकफुलनेस, क्योंकि इससे आदमी जागा रहता है। प्रोलीसांट हैज बीन अप्रूव्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज नोन एज नार्कोलेप्सी। इसे हम नार्कोलेप्सी में देते हैं। नार्कोलेप्सी में आदमी को क्या होता है, सडनली दिन के टाइम, डे टाइम स्लीपीनेस हो जाती है, सडनली सो जाता है। लेट्स कार चला रहा है, सडनली सो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें नार्कोलेप्सी में आदमी को दिन के समय, डे टाइम स्लीपीनेस नहीं करानी, उसको जगा कर रखना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो एक नया ड्रग है नार्कोलेप्सी का, बट बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है नार्कोलेप्सी का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। नार्कोलेप्सी का बेटा ड्रग ऑफ चॉइस होता है मोडाफिनिल। ये भी आदमी को जगा के रखता है। टिप्रोलीसांट एक नया ड्रग है जो नार्कोलेप्सी के लिए अप्रूव्ड है। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा, हमारा पहला खत्म हो गया ऑटोकॉइड हिस्टामिन। अब हम आते हैं सेकेंड ऑटोकॉइड पे, नाम है सेरोटोनिन। आपसे पूछा जाता है सेरोटोनिन का पूरा नाम क्या होता है। द फुल नेम ऑफ सेरोटोनिन इज 5-hydroxytryptamine। तो अगर मैं आप बच्चों से एक सवाल पूछूं, हिस्टामिन हिस्टिडीन अमाइनो एसिड से बनता है, बिल्कुल ठीक बात। कोई बच्चा लॉजिकली मुझे बता सकता है कि सेरोटोनिन 5-hydroxytryptamine कौन से अमाइनो एसिड से बनता होगा? कोई अमाइनो एसिड जिसका नाम इससे मिलता जुलता है, ये कौन से अमाइनो एसिड से बनता है? एनीवन हु कैन टेल मी? हिस्टामिन बनता है हिस्टिडीन अमाइनो एसिड से। तो ट्रिप्टामिन कौन से अमाइनो एसिड से बनता होगा? इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम एन अमाइनो एसिड नोन एज ट्रिप्टोफान। वेरी गुड, है ना, ट्रिप्टोफान, ठीक है, वेरी गुड। सैम टाइरोसिन आसपास है पर ट्रिप्टोफान ज्यादा मिलता जुलता है, तो ट्रिप्टोफान याद रखना है आपने। अब सेरोटोनिन के बेटा 7 रिसेप्टर्स होते हैं। कितने रिसेप्टर होते हैं? 7 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसकी हमने शॉर्ट फॉर्म बना दी 5HT। अब आप समझ गए 5HT का मतलब। सो 5HT 1-7। नाउ ऑल दीज रिसेप्टर्स आर GPCR। ऑल रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक्सेप्ट 5HT3। 5HT3 जो है वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं है, GPCR नहीं है, वो एक डिफरेंट टाइप का रिसेप्टर है जिसको हमने नाम दे दिया आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर। ये कौन सा रिसेप्टर है? आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर, जो कुछ सोडियम वोडियम कंडक्ट करता है। डन। अब बेटा अगर हम बात करें ड्रग्स की, फार्मा में अगर ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स हमारे पास 7 रिसेप्टर पे काम करने के लिए नहीं है। ड्रग्स है हमारे पास सिर्फ 5HT1 से लेके 5HT4 तक। तो कहां तक होते हैं हमारे पास ड्रग? 1 से लेके 4 तक हमारे पास ड्रग्स हैं जो काम करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट 5HT1 रिसेप्टर। तो 5HT1 रिसेप्टर फर्दर डिवाइडेड होता है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे सब टाइप्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला है बेटा 5HT1A पार्शियल एगोनिस्ट। ड्रग का नाम लिखेंगे ब्यूस्पायरोन। ड्रग का क्या नाम लिखेंगे? ब्यूस्पायरोन, ठीक है। कहां यूज करते हैं बेटा ब्यूस्पायरोन? एंटी एंजाइटी ड्रग है ये, ब्रेन में होता होगा, इससे चिंता और टेंशन कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट रिसेप्टर है 5HT1B/1D एगोनिस्ट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ड्रग 5HT1B/1D को स्टिमुलेट करते हैं, ड्रग का नाम है ट्रिप्टांस। क्या है बेटा ड्रग का नाम? ट्रिप्टांस। कोई ड्रग जानते हैं आप ट्रिप्टांस में? एक ड्रग फिलहाल लिखते हैं, डिटेल में सारे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, सुमाट्रिप्टान। एक और ड्रग है बेटा इरगोटामीन।
क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये ट्रिप्टान लाइक सूमा ट्रिप्टान और इरगोटामीन जो 5-HT1B1D पे को स्टिमुलेट करते हैं कौन सी बीमारी में यूज करते हैं? एनी वन, एनी गेसेस? कहीं ना कहीं सुना होगा, बड़ा फेमस ड्रग है सूमा ट्रिप्टान। इसे कौन सी बीमारी के एक्यूट अटैक को फटाफट ठीक करने के लिए यूज किया जाता है? दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन एक हेडेक है, हम सब जानते हैं। और ट्रिप्टांस जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है आपके किसके? माइग्रेन के। पूछा जाता है कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं? माइग्रेन। अब बेटा एक नया ड्रग आया है 5-HT1F एगोनिस्ट, ड्रग का नाम है लेसमिडिटान। ड्रग का नाम है लेसमिडिटान, नया ड्रग अप्रूव्ड हुआ है, ये 1F पे काम कर रहा है। लेसमिडिटान इज अ न्यू ड्रग फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। ये भी एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन के लिए एक नया ड्रग है, न्यू ड्रग अप्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, हाँ, जी पायरॉन और इप्सा पायरॉन भी ब्यूस पायरॉन जैसे ड्रग हैं। जी पायरॉन बेटा इसी साल अप्रूव हो गया है, इप्सा पायरॉन अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है, हो जाएगा अप्रूव। हो तो अब हम बात करते हैं ट्रिप्टान की थोड़ी डिटेल में। ट्रिप्टान्स पे बेटा आपको शॉर्ट नोट भी आता है, अलग से आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ट्रिप्टान किस पे काम करते हैं, आप क्या आंसर लिखोगे? दे आर स्पेसिफिक 5-HT1B1D एगोनिस्ट, ये आपने याद रखना है, याद रख सकते हो। तो इसमें सबसे पहला ड्रग है हमारा सूमा ट्रिप्टान, विच इज कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। तो दे आर कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन। तो पहले सूमा ट्रिप्टान की बात करते हैं। सर ये क्यों है ड्रग ऑफ चॉइस जबकि इससे बेटर ड्रग्स भी हैं हमारे पास? क्योंकि सर ये सबसे पुराना ड्रग है, इसका कितना इफेक्ट आता है, कितनी सेफ्टी है हमें पता है, प्लस इसको ना बहुत सारे रूट से दे सकते हैं हम सूमा ट्रिप्टान को। ओरल तो देते ही हैं, पर क्योंकि माइग्रेन में वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के चक्कर में कई बार हम ओरल ड्रग पेशेंट को नहीं दे सकते, इसीलिए इसकी नेजल प्रिपरेशन भी आती है, इसकी रेक्टल प्रिपरेशन भी आती है, आईवी भी आती है, सबलिंगुअल भी आती है, इतनी सारी प्रिपरेशन है, इसलिए मोस्ट कॉमनली यूज होता है। दूसरे ड्रग एलीट्रिप्टान, ई से एली, सबसे बढ़िया इफेक्टिव कौन सा ड्रग है? एलीट्रिप्टान। पहले रीजा होता था, पर अब कौन सा बन गया? एलीट्रिप्टान सबसे बढ़िया बन गया। रीजा रैपिड मतलब फास्ट काम करने वाला है, फ्रोवा मतलब सबसे फार तक जाएगा, लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है, एल्मोइन नैराट्रिप्टान। नैराट्रिप्टान जब हम ओरल देते हैं मैक्सिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। और लास्टली सूमा ट्रिप्टान के अलावा और कौन सा ड्रग नेजल स्प्रे की तरह दिया जा सकता है? एक तो सूमा ट्रिप्टान, दूसरा जोलमी ट्रिप्टान। और अब आप बच्चे मुझे बताइए नेजल स्प्रे कब दोगे? क्योंकि आदमी ओरल ड्रग खा नहीं सकता, क्योंकि माइग्रेन में आदमी को वॉमिटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इरगोटामीन। इरगोटामीन एक्चुअली 5-HT1B1D पे तो काम करता है, बट इट हैज अदर एक्शन ऑल्सो। अदर एक्शन का मतलब इट ऑल्सो ब्लॉक अल्फा रिसेप्टर, इससे अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक होता है, इसीलिए हमने एक ड्रग बनाया डाईहाइड्रो इरगोटामीन। अब बेटा आपसे सवाल पूछा जाता है, जब आप हाइड्रोजिनेशन कर देते हो, हाइड्रोजन लगा देते हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी इरगोटामीन की बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है? हाइड्रोजिनेशन इंक्रीज अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन। अब अल्फा ब्लॉकिंग कॉजेस वेजोडाइलेशन, अल्फा को ब्लॉक करते हो तो वेसल डायलेट हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर इज लेस रिस्क ऑफ इरगोटिज्म। अब इरगोटिज्म क्या है थोड़ी देर में देखते हैं। यहां पे सडनली फिंगर्स की ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। वट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रिप्टान एंड इरगोटिन माइग्रेन? These drugs are vasoconstrictors. ठीक है, माइग्रेन में वेजो डायलेटरी हेडेक होता है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देंगे।
प्लस माइग्रेन में न्यूरॉन्स ब्रेन के सेरोटोनिन रिलीज करते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन होती है. सो दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन प्लस दे रिड्यूस द रिलीज ऑफ वन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीजीआरपी. ये सीजीआरपी क्या है, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, अभी देखते हैं क्या होता है बेटा सीजीआरपी क्या होता है. सो पहली बात, एक बात आपने याद रखनी है, अगर आप वर्ड देखो इरगॉट, इरगॉट में आप देखो रॉट वर्ड आता है, आप लिखोगे इरगॉट से फिंगर्स रॉट हो जाती हैं, इरगॉट से फिंगर्स रॉट हो जाती हैं, मतलब ये फिंगर्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इन फिंगर्स. अब आप बताइए अगर फिंगर्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी बेटा तो फिंगर्स की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इश्कीमिया हो जाएगा, इश्कीमिया से नेक्रोसिस हो जाएगी. इसको हम बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स. तो ड्राई गैंग्रीन ऑफ फिंगर्स इज ऑल्सो नोन एज इरगोटिज्म. ये इरगोट का एक साइड इफेक्ट होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन, जिससे आपसे सवाल आता है एक अलग से आपके थ्योरी एग्जाम में. तो बेटा माइग्रेन में होता क्या है, यूनिलेटरल वेजोडाइलेशन की वजह से पल्सेटाइल हेडेक, यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक. इसके अलावा पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं. एसोसिएटेड सिम्टम्स को हमने नाम दे दिया ऑरा. क्या नाम दे दिया, ऑरा. और इसमें मेन सिम्टम होता है हेडेक के साथ आदमी को वॉमिटिंग होती है, तो क्लासिकल होता है माइग्रेन को डायग्नोस करने के लिए. इसके अलावा लाइट, आंखों में लाइट फ्लैश होती है और बड़ा डिस्टर्बिंग होता है, फोटोफोबिया. टिनिटस, आवाजें आती हैं कान में, फोनोफोबिया. अब बेटा कैसे ठीक करना है, अगर आदमी को हेडेक है तो कैसे ठीक करेंगे. माइल्ड हेडेक के लिए बेटा हम देते हैं एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, साथ में कैफीन. तो कॉफी जो होती है वो हेडेक को ठीक करने के लिए अच्छी होती है, पर एनसेड्स जो हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लाइक पैरासिटामोल, एस्पिरिन एक्सेट्रा, ये सिर्फ माइल्ड हेडेक में इफेक्टिव है. सिवियर हेडेक में एनसेड्स इफेक्टिव नहीं है. सिवियर हेडेक में ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं आपके ट्रिप्टान. हम जानते हैं ट्रिप्टान क्या है, ट्रिप्टान अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप जानते हो इरगोटामीन. बट अगर हम ट्रिप्टान्स नहीं दे सकते क्योंकि इनसे वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट में कोरोनरी कंस्ट्रिक्ट होने से एमआई हो जाता है, तो अगर आप ट्रिप्टान्स नहीं दे सकते तो आप देते हो ओपियोइड. ओपियोइड बेस्ट पेन किलर होते हैं हमारे. ओपियोइड में मॉर्फिन, कोडीन सबने सुने, मॉर्फिन कोडीन भी है, पेथिडीन भी है. एक ओपियोइड जो हमने स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया है, माइग्रेन के लिए बनाया है, वो है ब्यूटारफेनॉल. ये स्पेसिफिकली इसलिए माइग्रेन के लिए बनाया है क्योंकि इसका नेजल स्प्रे आता है. इसका नेजल स्प्रे आता है, कौन से ओपियोइड का नेजल स्प्रे आता है बेटा, ब्यूटारफेनॉल का. अब बात आती है अगर आदमी को वॉमिटिंग हो रही है तो क्या करें. वी गिव एंटी एमेटिक ड्रग्स. ये ऑरा के लिए दिया जाता है. तो इसमें बेटा हमें पहला ड्रग याद करना है डोमपेरिडोन, दूसरा मीटोक्लोप्रोमाइड, प्लस एंटी साइकोटिक ड्रग जो होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं क्योंकि एंटी साइकोटिक ड्रग का एंटी एमेटिक इफेक्ट भी होता है, प्रोक्लोरपाराजीन एंड क्लोरप्रोमाजीन. अब बेटा सवाल आता है इन सब में से अगर प्रेगनेंसी में माइग्रेन हो रहा है, प्रेगनेंसी में हम सारे ड्रग यूज नहीं कर सकते, डेंजरस है, टेरेटोजेनिक है, तो द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी इज एनसेड्स. तो माइग्रेन इन प्रेगनेंसी गिव एनसेड्स. अगर एनसेड ऑप्शन में नहीं है तो आप जाओगे सुमाट्रिप्टान के साथ. अगर एनसेड ऑप्शन में नहीं है तो आप जाओगे किसके साथ, सुमाट्रिप्टान के साथ. डन. अब बेटा ये तो हो गया एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन का ट्रीटमेंट. अब मान के चलो एक आदमी को बार बार माइग्रेन के हेडेक होते रहते हैं, तो डोंट यू थिंक आपको प्रिवेंशन के लिए भी ड्रग देना चाहिए. तो
तो डोंट यू थिंक इफ अ पर्सन इज क्रॉनिक माइग्रेन, क्रॉनिक मतलब बार बार होता है, तो उसमें हम प्रोफाइल एक्सेस या प्रिवेंशन के लिए ड्रग देते हैं ताकि माइग्रेन ना हो. सो फॉर प्रोफाइल एक्सेस इन क्रॉनिक माइग्रेन द ड्रग्स वी आर हैविंग इज बैक्टैम. न्यूमोनिक क्या बेटा? बैक्टैम. बी से बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल इज कंसिडर्ड टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन. तो प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन का पी से कौन सा ड्रग है? प्रोपेनोलॉल. आप बाकी के बीटा ब्लॉकर भी यूज कर सकते हो क्योंकि इनसे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है. अगर आप प्रोपेनोलॉल नहीं दे सकते, लेट्स से आदमी को एस्थमा है, एस्थमा में आप प्रोपेनोलॉल नहीं देते, तो अगर आप बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते तब आप देते हो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. दे आर द सेकेंड ड्रग ऑफ चॉइस. अब तीन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग अप्रूव्ड हैं और आपके नाम पूछे जाते हैं. तो पहला एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है वेलप्रोएट, ठीक है, दूसरा टोपिरामेट, एंड थर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यू मस्ट रिमेंबर इज गाबापेंटिन. ये पूछा जाता है. नाउ व्हाट आर द अदर ड्रग्स विच आर कॉमनली यूज्ड आर बट दे आर नॉट द फर्स्ट लाइन ड्रग. फर्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लुनारिजिन एंड वेरापामिन. टी से ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एमीट्रिप्टिलीन, नॉट्रिप्टिलीन. हमारे भारत में एमीट्रिप्टिलीन बड़ा कॉमनली यूज होता है, बड़ा सस्ती दवाई है, ट्रिप्टोमर नाम से आती है. देन एंटी सेरोटोनिन ड्रग सिप्रोहेप्टाडीन एंड मेथिसर्जाइड, एंड माओ इनहिबिटर फेनलजीन. तो बेटा अगर आप पहले चार भी याद कर लोगे BACT बहुत है, ठीक है, इतना भी लिख लेंगे बहुत है. अब बेटा माइग्रेन में हमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा जिससे इन्फ्लेमेशन होती है और हेडेक होता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है CGRP2. CGRP स्टैंड्स फॉर कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड. ये माइग्रेन में न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं ब्रेन में और इससे माइग्रेन के सिम्टम्स लाइक हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब चीजें आती हैं. ये मेन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने न्यू ड्रग्स बनाए माइग्रेन के लिए, दैट इज CGRP2 इनहिबिटर्स फॉर माइग्रेन. पहले ड्रग है हमारे पास ओरल, तो ये CGRP के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. उब्रोजी पैंट, रिमेजी पैंट, अटोजी पैंट, जिवाजी पैंट, याद नहीं करना इसमें, बस याद रखना जी पैंट वर्ड आ रहा है. क्या वर्ड आ रहा है? जी पैंट. So these drugs are given for both acute as well as chronic migraine. इनको acute attack में भी दिए जाते हैं और इनको prevention में भी दिया जाता है long term. Now बेटा अब हमने बना दी MAB. MAB का मतलब monoclonal antibody. ये injection से दी जाती है. Now remember they are only given for acute attack के prevention. They are only given for प्रोफाइल एक्सेस ऑफ माइग्रेन. इनको एक्यूट अटैक में नहीं देते हम. बड़े महंगे ड्रग हैं बेटा, इंडिया में मिलते हैं. और सबसे पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो मार्केट में आई और एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है एरिन्यूमैब. अगर आप देखें इन सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एनी वर्ड आ रहा है. एनी मतलब सब न्यूरॉन होगा. एरिन्यूमैब, एप्टिन्यूजुमैब, फ्रिमानीजुमैब, गैलकैनीजुमैब. अब एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना है. एरिन्यूमैब ब्लॉक CGRP2 डायरेक्टली. ये डायरेक्टली सर्कुलेटिंग CGRP से बाइंड कर जाता है. बट बाकी के तीन ड्रग EFG ये CGRP के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. ये CGRP2 के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, उससे डायरेक्टली बाइंड नहीं करते. अब आपको बेटा एक ड्रग याद रखना है, एक तो जिपेंट याद रखना है, दूसरा आपने एरिन्यूमैब वर्ड याद रखना है. ये सबसे पहली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थी और आपसे पूछी जाती है, ठीक है बेटा. ये सब आपसे पूछी जाती है. 5HT1 हो गया, माइग्रेन बहुत बड़ा टॉपिक हो गया. 5HT2 पे आते हैं. 5HT2C. सी का मतलब होता है कैलोरी, ऐसे याद कर लो, कैलोरी इंटेक को कम करेगा. कैलोरी के इंटेक को कम करेगा मतलब भूख कम लगेगी. 5HT2C रिसेप्टर रिड्यूस कैलोरी और फूड इंटेक. द
द ड्रग नेम इज लॉर्कासेरीन. इसमें भी कुछ सी वर्ड आ रहा है. इट हैज बीन अप्रूव्ड एज एन एंटी ओबेसिटी ड्रग. कहां यूज किया जाता है? एंटी ओबेसिटी ड्रग. बट बेटा कुछ एक दो साल पहले यह ड्रग बैन हो गया, क्योंकि सीए से ही याद रखेंगे, इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता था. कोलोरेक्टल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर्स का रिस्क बढ़ रहा था, बैन कर दिया. तो 5-HT2C एगोनिस्ट. तो कौन सा रिसेप्टर सेरोटोनिन का एपेटाइट को कंट्रोल करता है? 5-HT2C. अब 5-HT2 के तीन पार्ट होते हैं, ABC, तीनों को ब्लॉक कर देते हैं. तीनों को ब्लॉक करने वाला ड्रग है बेटा एंटी साइकोटिक ड्रग तीनों को ब्लॉक करता है, लाइक ओलेंजापीन, क्लोजापीन. कोई बच्चा मुझे लॉजिकल साइड इफेक्ट बता सकता है ओलेंजापीन और क्लोजापीन का? सर लॉजिकल साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि ये 5-HT2C रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, दे इंक्रीज एपेटाइट. इनसे एपेटाइट बढ़ती है. अब आप ज्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा? इट लीड्स टू ओबेसिटी. तो एंटी साइकोटिक ड्रग का मेन साइड इफेक्ट क्या होता है बेटा? ओबेसिटी. और एक फॉलो अप क्वेश्चन, कौन सा एंटी साइकोटिक ड्रग सबसे ज्यादा ओबेसिटी करता है? आंसर गेस करो क्या होगा. ओ से ओलेंजापीन, ओ से ओबेसिटी, इससे सबसे ज्यादा होती है. क्लोजापीन से भी होता है वेट गेन, पर ओलेंजापीन से तो सबसे ज्यादा होता है. डन. अब सेरोटोनिन के सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, 5-HT2, 3, 4 सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो. इन ड्रग का हमने नाम दे दिया एंटी सेरोटोनिन. तो ड्रग का नाम लिखते हैं कीटानसेरीन. और एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग जो सेरोटोनिन के भी रिसेप्टर को ब्लॉक करता था, सिप्रोहेप्टाडीन. नाउ दीज ड्रग्स आर गिवन इन द ट्यूमर्स ऑफ सेरोटोनिन, दैट इज कार्सिनोइड सिंड्रोम या फिर सेरोटोनिन सिंड्रोम. इनका भी बेटा साइड इफेक्ट क्या है? एपेटाइट इंक्रीज होती है और आदमी मोटा होता है. कई लोग तो क्या करते हैं, ये जो सिप्रोहेप्टाडीन है ना, इसको अब्यूज करते हैं मोटा होने के लिए. अप्रूव नहीं है, लोग इसका मिसयूज करते हैं. अब बात करते हैं थर्ड रिसेप्टर ऑफ सेरोटोनिन, 5-HT3 रिसेप्टर. अब बेटा 5-HT3 रिसेप्टर जो है, ये दो जगह पे होता है. एक तो होता है जीआईटी में इससे मोटिलिटी बढ़ती है सेरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर से, और आदमी को सिम्टम होता है डायरिया का. और दूसरा ये ब्रेन में एक एरिया में होते हैं CTZ एरिया, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो वॉमिटिंग सेंटर ऑफ अवर ब्रेन है. तो 5-HT3 रिसेप्टर से वॉमिटिंग भी होती है. तो 5-HT3 रिसेप्टर पे जो ड्रग काम करते हैं, वो ड्रग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंटागनिस्ट है या ब्लॉकर है. तो इन ड्रग का हमने नाम दे दिया 5-HT3 एंटागनिस्ट. एंड ऑल दीज ड्रग्स दे एंड विद अ वर्ड नोन एज सेट्रॉन. तो सेट्रॉन क्या होते हैं बेटा? जो 5-HT3 के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. इसमें सबसे पहले GIT पे काम करने वाला ड्रग, द ड्रग नेम इज एलोसेट्रॉन. तो एलोसेट्रॉन क्या करता है? GIT में मोटिलिटी कम करेगा, तो इससे डायरिया कम हो जाएगा. सो इट इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इन अ डिजीज नोन एज IBS. IBS का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. बट ये जो एलोसेट्रॉन है, बड़ा फेमिनिस्ट ड्रग है, ये फीमेल की साइड पे लेता है. इसको हम सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में यूज करते हैं. इस ड्रग को हम मेल्स में यूज नहीं करते. मेल्स में क्या करते हैं, इससे ना कोलोन डैमेज हो जाता है, इश्किमिक कोलाइटिस हो जाता है, कोलोन डैमेज हो जाता है. तो ये ना फीमेल्स को पसंद करता है एलोसेट्रॉन, मेल्स को पसंद नहीं करता. सो बड़ा फेमिनिस्ट ड्रग है. तो कौन सा ड्रग फेमिनिस्ट है? काफी एलोसेट्रॉन. ठीक है, याद रखनी है हमें बात. अब बात करते हैं CTZ पे काम करने वाले ड्रग्स की. तो CTZ पे काम करने वाले ड्रग, दे आर एंटी एमिटिक ड्रग्स. दे आर गिवन इन द ट्रीटमेंट ऑफ
नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग. एंटी कैंसर ड्रग देते हैं तो वॉमिटिंग होती है. लेट्स कॉल दैट डिजीज एज CINV. CINV होता है बेटा कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. रेडियोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग वगैरह जो होता है वहां यूज करते हैं. तो ड्रग देख रहे हो आप, ओंडनसेट्रॉन सबने सुना, बड़ा फेमस ड्रग है. ग्रैनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन, रेमोसेट्रॉन, सबसे बढ़िया ड्रग है पेलोनोसेट्रॉन, लॉन्गेस्ट भी है, सबसे देर तक काम करता है एंड मोस्ट पोटेंट, सबसे कम डोज देनी पड़ती है. अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, ओंडनसेट्रॉन का साइड इफेक्ट क्या है? तो बताओ, ओंडनसेट्रॉन दोगे तो डायरिया होगा कि कॉन्स्टिपेशन होगा? तो इनका पहला साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन. इनका सेकेंड साइड इफेक्ट है हार्ट पे ये ड्रग क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं. दे इंक्रीज और प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल. अब बेटा, अभी हमने कुछ मोशन सिकनेस पढ़ा. रिमेंबर, मोशन सिकनेस में हम कौन से ड्रग यूज करते थे? एंटी हिस्टामिनिक. मोशन सिकनेस में हम कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं? एंटी हिस्टामिनिक ड्रग. और कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग में हम सेरोटोनिन का रिसेप्टर ब्लॉक करते हैं, ओंडनसेट्रॉन. तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सी वॉमिटिंग के लिए? मोशन सिकनेस वाली. ओंडनसेट्रॉन कौन सी वॉमिटिंग के लिए? कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग वाली वॉमिटिंग के लिए. एक्सचेंज नहीं कर सकते. दीज ड्रग्स आर नॉट इफेक्टिव इन मोशन सिकनेस. तो एक बार देख लेते हैं, कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग, दैट मींस नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग. तो एक बड़ा फेमस एंटी कैंसर ड्रग है जिससे हर बार नॉजिया एंड वॉमिटिंग होती ही होती है, सिस्प्लाटिन. इससे तो सबसे ज्यादा होती है. कौन सा एंटी कैंसर ड्रग सबसे ज्यादा करता है? सिस्प्लाटिन. तो जैसे ही आदमी को वॉमिटिंग होती है एंटी कैंसर ड्रग देने से, लाइक सिस्प्लाटिन, सबसे पहले हम देते हैं सेट्रॉन, लाइक ओंडनसेट्रॉन एक्सेट्रा. अब आपने एक बात याद रखनी है कि सेट्रॉन्स दे आर इफेक्टिव टिल, इफेक्टिव अप टू 24 आवर्स. ये 24 घंटे तक इफेक्टिव है. जो ड्रग 24 घंटे तक इफेक्टिव है, हमने नाम दे दिया अर्ली फेस में इफेक्टिव है. अगर 24 घंटे के बाद, वन डे के बाद भी अगर वॉमिटिंग कंटिन्यू हो रही है, तो हम देते हैं बेटा बाकी के ड्रग्स. रेस्ट ऑल अदर ड्रग्स आर गिवन आफ्टर 24 आवर्स. तो अगर 24 घंटे के बाद भी अगर वॉमिटिंग होती है, तो हमने कौन सी फेज दे दी? डिलेड फेज ऑफ नॉजिया एंड वॉमिटिंग. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ड्रग हम देते हैं सेट्रॉन के बाद पिटांट्स. तो पिटांट्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिलेड फेज. पिटांट क्या करते हैं? दे ब्लॉक NK1 रिसेप्टर. NK1 होता है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर. ये कुछ सब्सटेंस पी का रिसेप्टर है. तो ड्रग के नाम एप्रीपिटांट, नेटियोपिटांट, रोलापिटांट. सर अगर अब भी ठीक नहीं होता, हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं लाइक डेक्सामेथासोन. अब भी ठीक नहीं होता, हम कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं. कैनाबिनॉइड के जो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, उन ड्रग में नाबी वर्ड आता है, नाबी. तो पहला ड्रग है नाबिलोन और दूसरा ड्रग है बेटा हमारा ड्रोनाबिनॉल. देख रहे हो दोनों में नाबी वर्ड आ रहे हैं. ठीक है, तो कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स एंड थ्योरी थ्योरी एग्जाम्स एंड MCQ. कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग. ईजी है, मुश्किल तो नहीं है. अब बात करते हैं लिपिड ऑटोकॉइड्स की. लिपिड ऑटोकॉइड्स दे आर ऑल्सो नोन एज आइकोसानॉइड. इसमें जो हमारा मेन ड्रग आता है वो होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस. इसमें कौन से होते हैं मेनली मॉलिक्यूल्स? प्रोस्टाग्लैंडिंस. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनसेड्स. अब बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन बनते कैसे हैं? एक फैटी मॉलिक्यूल से बनते हैं, एरेकिडोनिक एसिड से.
एरेकिडोनिक एसिड्स पे एक एंजाइम काम करता है कॉक्स एंजाइम। कॉक्स की फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है। नाउ व्हाट इज एनसेड? एनसेड इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दीज ड्रग्स दे इनहिबिट कॉक्स एंजाइम। तो मुझे बताइए बेटा लोग, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा एनसेड से किसका प्रोडक्शन कम होता है? एनसेड्स दे इनहिबिट कॉक्स एंजाइम, हेंस दे रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। दे रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, तो ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है आपसे। तो पहले हम बेटा बात करते हैं किसके बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन से। प्रोस्टाग्लैंडिन बहुत टाइप्स के हैं। पहला प्रोस्टाग्लैंडिन है बेटा PGE1। E1 हमें बात याद रखना है, E1 टाइप का, ठीक है। इसमें चार ड्रग हैं। न्यूमोनिक है ग्लैम, GLAM ग्लैम। जी से जेमीप्रोस्ट, एल से ल्यूबीप्रोस्टोन, ए से एलप्रोस्टाडिन एंड एम से मोस्ट फेमस मीजोप्रोस्टोल। मीजोप्रोस्टोल की सबसे पहले बात करेंगे। मीजोप्रोस्टोल इट इज गिवन फॉर एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। एनसेड से बेटा स्टमक में छाले हो जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन स्टमक के लिए प्रोटेक्टिव होता है, तो इसे देते हैं। बट रिमेंबर, कोई भी पेप्टिक अल्सर होता है, हमेशा याद रखना है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है एनी कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर PPI, ओमीप्रजोल पेंटोप्रजोल लाइक ड्रग। नाउ सेकंड मेन यूज ऑफ मीजोप्रोस्टोल इज MTP। मीजोप्रोस्टोल क्या करते हैं? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे आप मेडिकल अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में यूज करते हैं। अप टू 63 डेज ऑफ प्रेगनेंसी इट कैन बी यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एल प्रोस्टाडिल को डायरेक्टली पिनाइल में इंजेक्शन देते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसल इंजेक्शन देते हैं, पिनाइल इरेक्शन हो जाता है। सो इट इज गिवन फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रेयरली यूज होता है, अब नहीं होता, अब तो सिल्डेनाफिल या वाइग्रा देते हैं ओरल। इट इज गिवन टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस एंड क्रिटिकल लिम्ब इश्कीमिया, टू डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ लिम्ब। ल्यूबीप्रोस्टोन इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन IBS, क्योंकि इससे इंटेस्टीन में क्लोराइड का सिक्रीशन बढ़ता है और कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। जेमीप्रोस्ट अ न्यू ड्रग लाइक मीजोप्रोस्टोल फॉर MTP। अब बेटा आपसे मीजोप्रोस्टोल का ना साइड इफेक्ट पूछा जाता है। मीजोप्रोस्टोल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मीजोप्रोस्टोल इज डायरिया, बिकॉज इट कॉजेज क्लोराइड सिक्रीशन फ्रॉम इंटेस्टीन। अभी हमने बात पढ़ी। अब गलती से अगर फीमेल ने मीजोप्रोस्टोल प्रेगनेंसी में खा लिया, या तो अबॉर्शन हो जाएगा, बट अगर अबॉर्शन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट रह गया, तो फीटस में मीजोप्रोस्टोल से टेरेटोजेनिक इफेक्ट आता है। तो पूछा जाता है बेटा, मीजोप्रोस्टोल का टेरेटोजेनिक इफेक्ट क्या है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑफ मीजोप्रोस्टोल इज मीजोप्रोस्टोल कॉजेस मोबियस सिंड्रोम। मोबियस सिंड्रोम में देर इज माल फॉर्मेशन ऑफ 6th and 7th क्रेनियल नर्व इन फीटस। फीटस में 6th और 7th क्रेनियल नर्व बन नहीं पाएगी। तो मीजोप्रोस्टोल गलती से भी नॉर्मली प्रेगनेंसी में यूज नहीं करना। तो ये तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 हो गया। E2 की बात करते हैं। E2 मतलब दो से डीनोप्रोस्टोन। डीनोप्रोस्टोन हम सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में यूज करते हैं, और सर्विक्स को डायलेट करने के लिए इसकी वेजाइनल क्रीम्स भी आती हैं, सर्वाइकल राइटनिंग। तो बेटा राहुल जी, 63 डेज के बाद हमारे पास दूसरे मेथड्स होते हैं MTP करने के लिए, लाइक सक्शन इवैक्यूएशन, डायलिटेशन एंड क्यूराज, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ ड्रग देना रिस्की है। फीटस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसको खुद रिमूव कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 alpha डीनोप्रोस्ट। अब बेटा आपने कंफ्यूज किसके बीच में नहीं होना,
आपने डीनोप्रोस्टोन और डीनोप्रोस्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, डीनोप्रोस्टोन E2 है, डीनोप्रोस्ट F2 अल्फा है, लेबर को इंड्यूस करने के लिए, और MTP में देते हैं हम डीनोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट पोस्टपार्टम हेमरेज में देते हैं। कार्बोप्रोस्ट का बेटा आपसे साइड इफेक्ट पूछा जाता है, कार्बोप्रोस्ट से एस्थमा होता है। क्या होता है? कार्बोप्रोस्ट से एस्थमा होता है। इसके अलावा आई ड्रॉप्स है, और ये हम ऑलरेडी ग्लोकोमा में पढ़ चुके हैं, लेटेनोप्रोस्ट बेमेटोप्रोस्ट दे आर गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, प्लस आईब्रोज और आई लैशेस की ग्रोथ के लिए भी देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोट्राइकोसिस। बेटा ऑप्शन ये ड्रग्स तो हैं, पर ये ड्रग्स जो हैं सर्जरी में एड ऑन होते हैं, डायलिटेशन क्यूरेटाज और सक्शन इवैक्यूएशन करते हैं, सिर्फ ड्रग नहीं दे सकते। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ ड्रग से अबॉर्शन हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ ड्रग से अबॉर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ आई। लास्टली प्रोस्टाग्लैंडिन आई टू, ये भी हमने रेस्पिरेटरी में पढ़ा। ड्रग्स आर टाई इपोप्रोस्टिनॉल ट्रीप्रोस्टिनिल इलोप्रोस्ट, दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं लंग्स में, तो इनका इनहलेशन फॉर्म आता है विच आर यूज्ड। तो अब बात करते हैं द ड्रग्स विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनसेड्स, और सबसे पहला एनसेड है बेटा हमारे पास एस्पिरिन, ऑल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन इज द ओनली इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। बाकी सारे एनसेड्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, सिर्फ इरिवर्सिबल कौन सा है? एस्पिरिन। और कोई भी ड्रग जो किसी भी एंजाइम को इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है, ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं सुसाइड इनहिबिटर। तीसरा नाम होता है हिट एंड रन ड्रग। अब एस्पिरिन से बेटा दो तीन साइड इफेक्ट आपसे बड़ा कॉमनली पूछे जाते हैं, ऑल्दो हम एस्पिरिन एमआई में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, एमआई वेमआई में देते हैं एज एन एंटीप्लेटलेट। एस्पिरिन का पहला साइड इफेक्ट है रेस सिंड्रोम। रेस सिंड्रोम होता है जब आप एस्पिरिन को वायरल फीवर में देते हो, वायरस में फीवर होता है ना, इन्फ्लुएंजा कोविड, आप जानते हो हमने कोविड में भी एस्पिरिन यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया था? पैरासिटामोल। आपने कोविड के फीवर में एस्पिरिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर आप एस्पिरिन को वायरल फीवर में देते हो, और खासकर बच्चों में, वैसे तो एडल्ट में भी हो सकता है, एस्पिरिन से सडनली लिवर डैमेज हो जाता है, फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर। ऐसा क्यों होता है ये तो हमें आज तक नहीं पता लगा, पर ये देखा गया है। इसीलिए रेस सिंड्रोम में आदमी को लिवर डैमेज हो जाता है जब हम एस्पिरिन वायरल फीवर में देते हैं, बच्चों में ज्यादा कॉमन है, इसको हम बोलते हैं रेस सिंड्रोम। एस्पिरिन से बेटा एलर्जी होती है। जब एस्पिरिन से एलर्जी होती है, इसे हम बोलते हैं सेम्टोस्ट्रायड, SAMTAR सेम्टोस्ट्रायड। सेम्टोस्ट्रायड में एस्पिरिन से एलर्जी होती है। अब एलर्जी में क्या होगा? एक तो पेशेंट को एस्थमा होगा, और ट्रायड को फुल करने के लिए नोस में एक एलर्जिक पॉलिप हो जाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं इथमोइडल पॉलिप इन नोस। तो एस्पिरिन, एस्थमा, इथमोइडल पॉलिप इन नोस, दिस इज नोन एज सेम्टोस्ट्रायड। लास्ट पॉइंट, एस्पिरिन की अगर पॉइजनिंग हो गई है तो उसकी एंटीडोट क्या है? एस्पिरिन एक एसिडिक ड्रग है, एंटीडोट आप एक बेसिक ड्रग दे दो, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द एंटीडोट ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग। राहुल यस, रिस्क तो देखो थोड़ा बहुत हर्ट सर्जरी में होता है, पर ये जो सर्जरी होती है बहुत ही माइनर सर्जरी है, रेयरली वेरी सेफ सर्जरी। थोड़ा सा एंडोमेट्रियम को कुरेद कुरेद के कट करके निकाल देते हैं, इतना ज्यादा हमें डीप में जाना नहीं पड़ता। तो एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं? सक करके क्यूरेटाज कुरुक कुरुक के निकाल देते हैं, ठीक है, ताकि फीटस बाहर आ जाए। अब बाकी के एनसेट्स में लिखेंगे नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दे इनहिबिट द टू टाइप्स ऑफ कॉक्स एंजाइम। ये कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों को बराबर ब्लॉक करते हैं, दो टाइप के कॉक्स एंजाइम।
पहला पेरोक्सीकैम टेनोक्सीकैम, सर ये तो काम ही करते रहते हैं, क्योंकि ये काम करते रहते हैं लॉन्गेस्ट होते हैं, और ये बाइल में एंट्रोहिपेटिक रीसर्कुलेशन से बाइल में सिक्रीट होते हैं। कीटोरोलैक, इसको आप आईवी दे सकते हो। आइब्यूप्रोफेन एंड इंडोमेथासिन आर गिवन फॉर द क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो एक बच्चे में अगर डक्टस आर्टेरियोसस पेटेंट है, क्लोज नहीं हुआ, तो आप क्या देते हो? ब्रूफेन या इंडोमेथासिन। ओपनिंग ऑफ पीडीए, ओपनिंग ऑफ पीडीए के लिए हम देते थे प्रोस्टाग्लैंडिन एल प्रोस्टाडिल। क्लोजर के लिए हम क्या देते हैं? एनसेड, आइब्यूप्रोफेन और एंडोमेथासिन। नाउ फ्यू एनसेड्स विच गॉट बैंड, फिनाइल ब्यूटाजोन। इससे बोन मैरो सप्रेशन होता था। बोन मैरो सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एग्रैनुलोसाइटोसिस। फेनेसिटिन से किडनी डैमेज होता था। बिकॉज इट कॉजेज किडनी डैमेज, दिस बैन ऑफ फेनेसिटिन इज नोन एज एनल्जेसिक। क्योंकि एनसेड्स पेन किलर है, एनल्जेसिक की तरह यूज होते हैं, दे कॉज किडनी डैमेज। अब बेटा हमने ड्रग बनाए जो कॉक्स टू को ज्यादा ब्लॉक करते हैं, क्योंकि कॉक्स टू से ही पेन और इन्फ्लामेशन होता है मेनली, वन से नहीं होता। तो पहला है नाइमोसुलाइड, इससे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। मिलोक्सिकैम, डिक्लोफिनेक, वॉलिनी और वोविरॉन नाम से आता है। तो आप जानते हो इसकी टॉपिकल क्रीम्स और स्प्रे आते हैं, एसिक्लोफिनेक, इटोडोलैक। अब बेटा हमने ऐसे ड्रग बनाए जो सिलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर है। दे ओनली इनहिबिट कॉक्स टू एंजाइम। दीज ड्रग्स दे एंड विद द वर्ड कॉक्सिप्स। सर हमने क्यों बनाए, इनका एडवांटेज क्या है? दे हैव लीस्ट रिस्क ऑफ कॉजिंग पेप्टिक अल्सर। रिमेंबर एनसेट से पेप्टिक अल्सर होते हैं, और पेप्टिक अल्सर कॉक्स वन एंजाइम से होते हैं। कॉक्स टू को इनहिबिट कर रहे हैं, लीस्ट रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर। बट इनका डिसएडवांटेज क्या है? सर इससे एमआई और स्ट्रोक हो जाता है। अब बताओ ज्यादा डेंजरस बात क्या है, एमआई स्ट्रोक ज्यादा डेंजरस है कि पेप्टिक अल्सर? सर एमआई और स्ट्रोक ज्यादा डेंजरस है, पेप्टिक अल्सर तो इतनी डेंजरस बीमारी नहीं है कि सडनली आदमी मर जाए। तो इसीलिए देर आर टू कॉक्सिप्स विच गॉट बैंड। कौन से कॉक्सिप बैन हो गए? रॉफिकॉक्सिप, वेल्डिकॉक्सिप। दे गॉट बैंड बिकॉज ऑफ एमआई एंड स्ट्रोक। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी बोल दिया आपने। गुड इवनिंग राजेश्वरी। ठीक है, तो कौन से कॉक्सिप बैन हो गए? रॉफिकॉक्सिप, वेल्डिकॉक्सिप। क्यों बैन हो गए साहब? इनसे एमआई और स्ट्रोक होता था। पर कॉक्सिप्स का क्या एडवांटेज है? सर इनसे पेप्टिक अल्सर का रिस्क बड़ा कम होता है। एग्री। अब बेटा एक एनसेट्स की बात करते हैं जो हम सब ने खाया हुआ है लाइफ में, पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल में सिटा वर्ड आ रहा है, तो इसका दूसरा नाम होता है एसिटा। एसिटा वर्ड दोनों में आ रहा है, एसिटामिनोफेन। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ पैरासिटामॉल? एसिटामिनोफेन। पैरासिटामॉल बेटा सबसे सेफेस्ट एनसेट होता है। सो इट इज द सेफेस्ट एनसेट इन रीनल फेलियर, इट इज द सेफेस्ट एनसेट इन चिल्ड्रन। तो बिकॉज इट हैज नो रिस्क ऑफ रे सिंड्रोम। तो अब आप एक बात बताइए मुझे बेटा, कोविड में आपने कौन सा एनसेड यूज किया था? जब बुखार आता था कोविड में, एस्पिरिन यूज किया था कि पैरासिटामॉल यूज किया था? हम सब ने कोविड में वायरल फीवर में पैरासिटामॉल दिया था। तो याद रखना, कभी वायरस से फीवर हो रहा है या वैसे ही फीवर हो रहा है, पैरासिटामॉल दो, एस्पिरिन मत दो। अब पैरासिटामॉल का मेन साइड इफेक्ट क्या है? पैरासिटामॉल का मेन साइड इफेक्ट होता है लिवर डैमेज। ऑल्दो बड़ा रेयर है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैरासिटामॉल इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम सारे। तो देखते हैं कि पैरासिटामॉल से लिवर डैमेज क्यों होता है। तो जैसे हम पैरासिटामॉल खाते हैं, पीसीएम इज पैरासिटामॉल, एक एंजाइम होता है CYP2E1, इसकी मदद से पैरासिटामॉल लिवर में एक टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ पैरासिटामॉल इज NAPQI। तो पैरासिटामॉल की टॉक्सिक फॉर्म क्या होती है बेटा? NAPQI। ये लिवर को डैमेज कर देती है। और ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जिनसे NAPQI का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? पहला
दारू पीने से NAPQI ज्यादा बनती है, सुट्टा या स्मोकिंग से होती है, और एक टीबी वाला ड्रग आइसोनियाजिड। तो एल्कोहलिक्स और स्मोकर्स में पैरासिटामोल से ज्यादा NAPQI बनता है क्योंकि वो CYP एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो ज्यादा NAPQI बनेगा। सो देयर इज मोर रिस्क ऑफ लिवर डैमेज विद पैरासिटामोल। तो अब आपसे सवाल पूछा जाता है, अगर पैरासिटामोल से, यस एस्पिरिन से होता है, बिल्कुल अमित अभी हमने पढ़ा ना, हाँ रे सिंड्रोम एस्पिरिन। नाउ अगर NAPQI बना, हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी? द एंटीडोट ऑफ पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी इज N-acetylcysteine। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में हम N-acetylcysteine के साथ क्या ऐड कर देते हैं? मिथियोनीन ऐड कर देते हैं, बिकॉज दीज ड्रग्स हेल्प्स इन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ NAPQI। ये NAPQI को फटाफट यूरिन में एक्सक्रीट आउट करा देते हैं, लिवर में जमा नहीं होने देते। N-acetylcysteine, मिथियोनीन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेटा, NAPQI है। कई बुक्स NAPQI भी लिखती है, एक्चुअल में उसका एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा राहुल ने। देखो NAPQI की फुल फॉर्म होती है N-acetyl पैरा अमाइनो बेंजोक्विनोन। बेंजो, कई लोग ना पैरा वर्ड यूज नहीं करते, सीधा बेंजोक्विनोन वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अगर आप बेंजोक्विनोन वर्ड यूज कर रहे हो तो NAPQI हो जाएगा, पर अगर आप पैरा बेंजोक्विनोन वर्ड यूज कर रहे हो, पैरा वर्ड, तो NAPQI हो जाएगा। बेटर वर्ड होता है पैरा वाला, ठीक है? तो NAPQI वर्ड यूज करना है आपने, ठीक है? यही टर्मिनोलॉजी है। अब एक रेयर सवाल है कि सर पैरासिटामोल जो हेपेटोटॉक्सिसिटी करता है, और अगर हम उस लिवर को स्लाइड में देखें तो कैसे लिवर डैमेज होता है? रिमेंबर, लिवर में आप जानते हो बीच में सेंट्रल वेन होती है और साइड में पोर्टल ट्रायड होते हैं। ये आप देख रहे हो पोर्टल ट्रायड है, तो आप देख रहे हो कि सेंट्रल वेन के अराउंड जो सेल्स हैं वो काफी वाइट वाइट दिख रहे हैं। वाइट सेल का मतलब उनमें डाई नहीं जा रही, डाई इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वो मर गए हैं। तो सेंट्रल वेन के अराउंड के जो सेल्स होते हैं वो मर जाते हैं, पर पोर्टल ट्रायड के अराउंड के जो सेल्स होते हैं वो बच जाते हैं। तो क्या हम इस बात को लिख लें, पैरासिटामोल कॉजेस सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस, दैट मींस सेल्स अराउंड सेंट्रल वेन विल डाई, ठीक है? सेल्स अराउंड सेंट्रल वेन विल डाई, सेंट्रीलोब्यूलर नेक्रोसिस, बट पोर्टल पे पोर्टल ट्राइड के राउंड के जो सेल्स हैं वो बच जाते हैं, पेरीपोर्टल स्पेयरिंग, पेरीपोर्टल स्पेयरिंग, ठीक है? ये आपने याद रखना है। इस तरीके से लिवर डैमेज होता है पैरासिटामोल से। एंटीडोट क्या पढ़ी हमने? N-acetylcysteine। तो बेटा हमारा एंसर्ड हो गया। लास्ट टू टॉपिक गाउट। बेटा गाउट में क्या होता है? गाउट में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन यूरिक एसिड इन ब्लड। तो ब्लड में बेटा क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और ये यूरिक एसिड फिर क्या करता है, जॉइंट्स वगैरह में और टेंडन्स में जाके इंफ्लेमेशन करता है। इसीलिए पेशेंट को आर्थराइटिस, टोफाई, ये सब चीजें होती है। अब गाउट का ट्रीटमेंट क्या है? अगर एक आदमी को जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो रही है, जिसे हमने नाम दे दिया एक्यूट अटैक ऑफ गाउट, यहां पर क्या करना है, हमें इंफ्लेमेशन को कम करना है। तो एक्यूट गाउट में हम इंफ्लेमेशन को कम करते हैं, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम ब्लड में यूरिक एसिड को कम कर देते हैं। क्रॉनिक गाउट का ट्रीटमेंट होता है रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड लेवल। एक्यूट गाउट का क्या ट्रीटमेंट है? कंट्रोल इंफ्लेमेशन इन जॉइंट एंड टेंडन्स, ठीक है? एस्पिरिन पॉइजनिंग में अमित जी हम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, एंटीडोट अभी पढ़ा ना हमने। तो एक्यूट गाउट में सबसे पहले हम देते हैं एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, सारे दे सकते हैं जो हमने पढ़ा, एक्सेप्ट एस्पिरिन, बिकॉज एस्पिरिन इट्सेल्फ इंक्रीज
यूरिक एसिड लेवल, एस्पिरिन इटसेल्फ कॉजेस गाउट, तो कौन सा एनसेड नहीं देना, एस्पिरिन ही देना। पैरासिटामोल इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि पैरासिटामोल इस केस में इंफ्लामेशन कम नहीं कर पाता। बाकी सारे एनसेड आप दे सकते हो, एंडोमेथासिन, आइब्यूप्रोफेन। एनसेड से ठीक नहीं होता, सेकेंड ड्रग कौन सा देना है, कोल्चिसिन। कोल्चिसिन से भी ठीक नहीं होता, फिर कौन सा ड्रग देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ऐसे हम ठीक करते हैं एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। आपसे पूछा जाता है कि कोल्चिसिन कैसे काम करता है। कोल्चिसिन इज अ माइक्रोटिब्यूल इनहिबिटर, ये माइक्रोटिब्यूल को सेल के अंदर इनहिबिट कर देता है। माइक्रोटिब्यूल इज द स्केलेटल ऑफ सेल, जो सेल को मूव कराता है। एग्री, डब्ल्यूबीसी अगर मूव करके आएंगे तभी इंफ्लेमेशन होगी, तो डब्ल्यूबीसी की जो मूवमेंट या माइग्रेशन है वो माइक्रोटिब्यूल पे डिपेंडेंट है। माइक्रोटिब्यूल को आपने इनहिबिट कर दिया कोल्चिसिन से, तो कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एक्यूट गाउट में, इट इनहिबिट्स माइग्रेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। पर हमें पता है कि माइक्रोटिब्यूल तो स्पिंडल फाइबर भी बनाते हैं जिनसे सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन बोन मैरो जीआईटी के सेल्स में होती है, तो अगर आप माइक्रोटिब्यूल को इनहिबिट कर दोगे तो सेल डिवीजन रुक जाएगी। तो बड़ा डेंजरस साइड इफेक्ट है कोल्चिसिन का बोन मैरो सप्रेशन। बोन के सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे आरबीसी, जीआईटी के सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो अल्सर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है, लॉजिकल है। अब बात करते हैं क्रॉनिक गाउट। क्रॉनिक गाउट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में हमें ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम कर देना है, ताकि ये यूरिक एसिड जॉइंट और टेंडन में डिपॉजिट ही ना हो। तो यूरिक एसिड को हम कैसे कम करेंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट। ड्रग्स फॉर क्रॉनिक गाउट, दे रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड लेवल, दे रिड्यूस ब्लड यूरिक एसिड लेवल। तो देखते हैं यूरिक एसिड बेटा बनता कैसे है। तो लिवर में एक मॉलिक्यूल आता है हाइपोजेंथीन, प्यूरीन होता है एक टाइप का, प्यूरीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है। हाइपोजेंथीन लिवर में पहुंचता है, लिवर में एक एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट्स हाइपोजेंथीन इंटू यूरिक एसिड, तो ऐसे यूरिक एसिड बनता है। नॉर्मली बेटा ये यूरिक एसिड फिर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम कैसे यूरिक एसिड को ब्लड में कम कर सकते हैं। पहला स्टेप, सर लिवर में बनने ही मत दो, तो फर्स्ट क्लास ऑफ ड्रग इज जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। क्योंकि जेंथीन एक प्यूरिन है, बड़ा ईजी है इनका नाम याद रखना, एलोप्यूरिनॉल, प्यूरिन वर्ड आ रहा है ना, हाइपोजेंथीन जैसा मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीप्यूरिनॉल दोबारा प्यूरीन वर्ड आ रहा है, तो ये भी प्यूरीन्स हैं हाइपोजेंथीन जैसे, सो दे आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेस एंजाइम। तो ये यूरिक एसिड की सिंथेसिस को कम करेंगे। यस राहुल जी, एब्सोल्यूटली राइट, कैरियोटाइपिंग में भी देते हैं कोल्चिसिन, एक और भी यूज है पढ़िएगा, फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में भी देते हैं, वो बहुत हाई फाई बातें हो जाएंगी जो हमारे काम की नहीं है। अब बेटा एक तीसरा ड्रग आपसे पूछा जाता है फेबुक्सोस्टैट। कैसे याद करें फेबुक्सोस्टैट, इसमें एक्सो वर्ड आ रहा है और स्टैट वर्ड आ रहा है, स्टैट का मतलब होता है रुक देना, तो इट इज ऑल्सो अ जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। एलोप्यूरिनॉल से अगर एलर्जी होती है तो हम फेबुक्सोस्टैट देते हैं। अब बेटा एक ड्रग है जो ब्लड में यूरिक एसिड को डीग्रेड कर देगा और एलेंटॉइन में कन्वर्ट कर देगा। जो ब्लड में यूरिक एसिड घूम रहा है उसको डीग्रेड करके एलेंटॉइन में कन्वर्ट कर देगा, तो एक एंजाइम होता है यूरिक एसिड ऑक्सीडेस एंजाइम। तो पेग्लोटिकेस एस है तो मतलब एंजाइम है, रस्प यूरिकेस एंजाइम है। पेग्लोटिकेस मैमल से ऑप्टेन करते हैं, रस्प यूरिकेस यहां से ऑप्टेन करते हैं बर्ड से। अब बेटा आपने याद रखना है एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट। एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट, एंड इन एलोप्यूरिनॉल रेजिस्टेंट केसेस हम क्या देते हैं, रेजिस्टेंट केसेस में हम देते हैं
पेग्लोटिकेस और रसब्यूरिकेस ये ब्लड में फटाफट यूरिक एसिड को एलेंटॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक और ड्रग है यूरिकोस यूरिक एजेंट्स, दे इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इनटू द यूरिन, ये यूरिन में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करा देते हैं। कुछ एंजाइम ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, ओएटीपी या यूरेट ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, यूरिक एसिड रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता, यूरिन में निकल जाता है। ड्रग के नाम प्रोबेनेसिड बड़ा कॉमनली पूछा जाता है, सल्फिन पायरिजोन, बेंस ब्रोमारोन, लेसिनुराड एक आपसे और पूछा जाता है, इसमें सिर्फ दो नाम याद रखने हैं। इनका साइड इफेक्ट है इनसे यूरिक एसिड के यूरिन में स्टोन बन जाते हैं क्योंकि यूरिन में यूरिक एसिड निकल रहा है। तो एलोप्यूरिनॉल बेटा इज द ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक गाउट। तो कैन वी से लेट्स डिस्कस सर्टेन कॉजेस ऑफ क्रॉनिक गाउट। पहला ड्रग इंड्यूस्ड, बहुत सारे ड्रग कर सकते हैं क्रॉनिक गाउट, उनकी लिस्ट अभी हम देख लेते हैं। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब जब ट्यूमर के सेल्स किल होते हैं बाय एंटी कैंसर ड्रग, उनमें प्यूरिन जो है वो टूटता है डीएनए में और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पहले हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, तो एंटी कैंसर ड्रग जब हम देते हैं ट्यूमर का सेल किल होता है, ट्यूमर लाइसिस हो जाती है, गाउट हो जाता है। पहले हम एलोप्यूरिनॉल देते हैं, नहीं ठीक होता तो कौन सा देते थे, एंजाइम्स रसब्यूरिकेस पेग्लोटिकेस। तीसरा किडनी डिजीज सीकेडी, क्योंकि किडनी डिजीज में यूरिक एसिड यूरिन में नहीं निकल पाता। एलोप्यूरिनॉल का साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड बोन मैरो सप्रेशन। अगर ये सब चीजें आ रही हैं एलोप्यूरिनॉल से, चेंज एलोप्यूरिनॉल टू फेबुक्सोस्टैट। तो अगर एलोप्यूरिनॉल से एलर्जी है, हेपेटोटॉक्सिसिटी है, बोन मैरो सप्रेशन है, चेंज एलोप्यूरिनॉल टू फेबुक्सोस्टैट। बेटा असली बात अगर मैं आपको बताऊं, असली बात बताऊं आपको, आज की डेट में हम मोस्ट कॉमनली फेबुक्सोस्टैट यूज करते हैं, इतना तो हम एलोप्यूरिनॉल भी यूज नहीं कर रहे जितना हम फेबुक्सोस्टैट यूज करते हैं। विच ड्रग कॉजेज गाउट, पैंट, पी ए एन टी, ऋषभ पंत याद रख सकते हो। पंत कॉजेस दैट इज पाइराजिनामाइड, जो एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एस्पिरिन, नियासिन एंड थायजाइड एंड लूप डायुरेटिक। द ड्रग्स विच आर गुड फॉर गाउट विच इंक्रीज एक्सक्रीशन फॉर यूरिक एसिड इन यूरिन, विच ड्रग्स आर गुड फॉर गाउट बिकॉज दे हैव यूरिकोस यूरिक एक्शन, इनसे यूरिक एसिड यूरिन में निकल जाता है, दैट इज स्टेटिंस, फिनोफिब्रेट, एस्पिरिन इन हाई डोज। अब बेटा एक बात याद रखनी है, एस्पिरिन जब बहुत ही हाई डोज में देते हो, मोर देन 5 grams, जो हम नॉर्मली यूज नहीं करते, एस्पिरिन गाउट के लिए बड़ा अच्छा ड्रग है, पर इतनी हाई डोज हम यूज नहीं करते। एस्पिरिन जब हम लो डोज में नॉर्मली यूज करते हैं, एस्पिरिन से खुद गाउट हो जाता है। तो एस्पिरिन लो डोज में खुद गाउट करता है, हाई डोज में गाउट को ठीक कर देता है, पर हम हाई डोज यूज नहीं करते, ठीक है, हम हाई डोज यूज नहीं करते। लास्ट टॉपिक इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में भी क्या है, बेकार में इम्यूनिटी काम करती है और इस इम्यूनिटी से जॉइंट में इंफ्लेमेशन होती है। तो एक्यूट अटैक ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हम इंफ्लेमेशन कम करते हैं आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए। तो पहले हम देते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ऑल एक्सेप्ट पैरासिटामॉल, पैरासिटामॉल इज नॉट इफेक्टिव। नहीं ठीक होता कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो जॉइंट के अंदर। लॉन्ग टर्म या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हमें इम्यूनिटी को कम करना है, सो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग जो हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डीमार्ड। डीमार्ड स्टैंड्स फॉर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग, ये इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम डीमार्ड्स देते हैं। तो कौन कौन से डीमार्ड है, कहीं तो पुराने वाले ड्रग हैं, कहीं हमारे पास नए ड्रग्स आ गए। तो पुराने ड्रग्स का पहला नाम देख देते हैं डीमार्ड में। तो ओल्ड ड्रग्स आर बड़े सस्ते हैं, पहले हम यही स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज मीथोट्रेक्सेट, लो डोज में मीथोट्रेक्सेट। तो
एक निमोनिक याद करते हैं, मल्लिका शेरावत पागल सी, तो एम से मीथोट्रेक्सेट, एस से सल्फा सालाजीन। सल्फा सालाजीन रिमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में दिया जाता है। पेनिसिलामीन सर रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एज अ कॉपर चिलेटर यूज करते हैं। कॉपर चिलेटर इन विल्सन डिजीज यूज करते हैं। विल्सन्स में क्या होता है, फ्री कॉपर का लेवल बढ़ जाता है। गोल्ड अब रेयरली यूज होता है पर ये सबसे पुराना ड्रग है, बट इसलिए यूज नहीं करते बहुत नेफ्रोटॉक्सिक है। लेफ्लुनोमाइड एंड क्लोरोक्वीन, लेफ्लुनोमाइड एंड क्लोरोक्वीन आर ऑल्सो गिवन। ओके नाउ अब हमारे पास नए ड्रग्स हैं। ये नए ड्रग्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो फर्स्ट क्लास ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है हमारे पास जो टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करती है। टीएनएफ अल्फा से इंफ्लेमेशन होती है, लेट्स ब्लॉक टीएनएफ अल्फा आई केज। आई से इन्फ्लेक्सिमैब बहुत कॉमनली पूछा गया, इसको हम यूज करते हैं मीथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट केसेस में। सर्टोलिज़ुमैब, अडालिमिमैब, गोलिमिमैब, इटारनेसेप्ट। देन वी हैव लेट्स ब्लॉक इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 ब्लॉकर पूछा जाता है टोसिलिज़ुमैब, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। थर्ड न्यू ड्रग इज रिटुक्सिमैब, ब्लॉक CD20 रिसेप्टर ऑन बी लिम्फोसाइट ताकि इन्फ्लेमेशन हो ही ना। एनाकिनरा कौन से मॉलिक्यूल को ब्लॉक करता है, ए से एना, ए से वन, एंटी इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 1 से इन्फ्लेमेशन होती है। अबेटासेप्ट लिम्फोसाइट में एक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, इट इज रिसेप्टर रिकॉम्बिनेंट CTLA4, ये लिम्फोसाइट पे जाता है, डायरेक्टली लिम्फोसाइट को सप्रेस करता है। लास्टली निब वाले ड्रग, निब वाले ड्रग जेनस काइनेस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं, दे आर जैक इनिबिटर टोफासिटिनिब, बैरिसिटिनिब, उपाडासिटिनिब, न्यू ड्रग्स फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ड्रग, कंप्लीट लिस्ट ऑफ ड्रग्स फॉर RA। एंड वट इज द कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ RA, वो हम रेगुलर क्लासेस में देखेंगे, प्लस आप मेडिसिन वाले सेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोकॉइड्स एंड दिस फिनिशेज अवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग ऑलवेज। कोई डाउट है बेटा, अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस राहुल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा, राहुल जी ने एक सवाल पूछा था टीवा। टीवा का मतलब होता है टोटल इंट्रा वीनस एनेस्थीजिया। देखिए बेटा, होता क्या है, नॉर्मली जब भी हम आदमी को बेहोश करना चाहते हैं, एनेस्थीजिया देना चाहते हैं, पहले हम इंडक्शन के लिए एक ड्रग देते हैं ताकि आदमी फटाफट बेहोश हो जाए। फिर हम मेंटेनेंस के लिए एक ड्रग देते हैं ताकि आदमी काफी देर तक बेहोश रहे। एक ड्रग है जो दोनों काम कर सकता है, इंडक्शन भी कर सकता है, मेंटेनेंस भी कर सकता है। ड्रग का नाम है प्रोपोफॉल। ड्रग का नाम क्या है, प्रोपोफॉल। सेकेंड डाउट था आपका IVRA। IVRA की फुल फॉर्म होती है बेटा इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। इस IVRA का एक और भी नाम होता है बियर्स ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे, बियर्स ब्लॉक। यही डाउट था आपका। अब इसके नाम को एक बार बेटा फोकस करिए, इंट्रावीनस रीजनल एनेस्थीसिया। तो पहली बात तो हम एक आईवी ड्रग देते हैं इंट्रावीनस। रीजनल मतलब एक रीजन में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगी, सिर्फ एक पार्ट में, बॉडी के सिर्फ एक पार्ट में होगी। क्योंकि बॉडी के एक पार्ट में हमें एनेस्थीजिया प्रोड्यूस कराना है, तो आप बताइए हम लोकल एनेस्थेटिक देंगे कि जनरल एनेस्थेटिक देंगे। एक पार्ट में प्रोड्यूस कराना है तो हम देते हैं लोकल एनेस्थेटिक।
मोस्ट कॉमनली यूज लोकल एनेस्थेटिक इज लिग्नोकेन, बट लिग्नोकेन के अलावा आप और कौन सा यूज कर सकते हो? प्राइलोकेन एंड रोपिवाकेन। कौन सा बिल्कुल नहीं यूज करना? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि अगर आईवी इंजेक्शन दिया हार्ट में एरिदमिया हो जाएगा, आदमी मर जाएगा, ब्यूपिवाकेन। अब नेक्स्ट सवाल आता है, आईवीआरए हम यूज कहां करते हैं, हमें कौन से रीजन में? सर आईवीआरए बेसिकली यूज किया जाता है लिम्ब में, जब हमें एनेस्थीजिया प्रोड्यूस करना होता है लिम्ब में, हाथों या पैरों में। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, मान के चलो ये हाथ है, ठीक है, आपने क्या किया, एक आदमी को आईवी आईवी क्या दिया, एलए दिया। जैसी आप एलए देंगे, इस पूरे पार्ट में क्या होगा, एनेस्थीजिया हो जाएगा। अब ये ऊपर की तरफ ना जाए, एनेस्थीजिया वापस, एनेस्थेटिक वापस हार्ट की तरफ ना जाए, हम ऊपर से एक बैंड बांध देते हैं और हाथ को ब्लॉक कर देते हैं, तो हम एक टॉर्निकोए बांध देते हैं। अब हम कह सकते हैं इस पूरे हाथ में एनेस्थीजिया हो गया। अगर अब आपको कोई सर्जरी परफॉर्म करनी है तो सारी सेंसेशन खत्म हो गई, आप इजीली सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई होप राहुल जी अब आपको आईवीआरए का मतलब समझ आ गया, कौन सा नहीं देना, ब्यूपिवाकेन, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ब्यूपिवाकेन हार्ट तक पहुंच गया, इट इज मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, इससे एरिदमियास हो जाते हैं, इसीलिए हम ब्यूपिवाकेन को यूज नहीं करते। कौन सा यूज करते हैं, लिग्नोकेन, प्राइलोकेन, रोपिवाकेन। So this is, these are the your two doubts which you have asked me, and this finishes our today's session of autocoids. हमने पूरा autocoid कोशिश किया इतने short duration of time में समझने के लिए, and I hope आपकी एक quick revision बहुत अच्छे से हुई होगी, ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए अच्छे से, good luck. ये डेस्फ्लोरेन सिर्फ डे केयर में नहीं, आप वैसे भी यूज कर सकते हो, आप वैसे भी यूज कर सकते हो। डेस्फ्लोरेन बेटा इंडक्शन में नहीं देते, डेस्फ्लोरेन बेसिकली हम मेंटेनेंस में देते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसका ब्लड गैस पार्टीशन कॉफिशेंट जो है वो काफी बड़ा होता है, सॉरी काफी छोटा होता है, लो ब्लड गैस पार्टीशन, तो होता क्या, वो सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू सीवोफ्लुरेन, तो मेंटेनेंस में ज्यादा यूज किया जाता है डेस्फ्लुरेन। चलिए थैंक यू वेरी मच।